हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ खुशी। सो गाइस, अभी हम आए हैं कानपुर, जो जंगल के बीच में खोड़ियार माँ का मंदिर है। तो हमारे साथ है जिगर के सारे दोस्त और प्रिया भाभी। अभी यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घना जंगल है और डूंगर के बीच में मंदिर है, पास में ही नदी जा रही है। देखिए, ऐसे मौसम में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज बारिश थी, इसलिए कोई काम हो नहीं पाया था, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं कानपुर खोड़ियार माँ के मंदिर दर्शन करने के लिए। लेकिन चाबी लेनी थी, वो हम लोग भूल गए हैं, इसलिए अभी यहाँ पे मंदिर पे लोग थे, तो हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे आज। आज भी बहुत ज्यादा, देखिए हम ना इसे जो तितली की तरह ना उसे वाणिया बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा उड़ रहे। देखिए इस साइड तो आज भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश आएगी। तो दोस्तों, यहाँ के परिचय के बारे में हम बात करें तो यहाँ आसपास कहीं पर भी पानी नहीं है। अभी बारिश की सीज़न है, इसीलिए आपको नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, झरने भी है, और जब बारिश रुक जाएगी तब यहाँ आसपास कहीं पर भी पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, सिवाय इस कुएं के। इस कुएं का पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, और बोर कर रहे हैं फिर भी आसपास कहीं पर भी पानी नहीं निकल रहा है। पर कोई भी सीज़न हो, बारिश हो या ना हो, पर इस कुएं में पानी हमेशा इतना ही भरा रहता है, और जो भक्त आते हैं वो यहाँ से इस पानी को लेके जाते हैं गंगा जल की तरह। इसे गंगा जल मानते हैं, ये पानी बहुत ज़्यादा पवित्र है इस कुएं का। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए। अभी थोड़ी देर हम यहाँ नीचे की ओर थे, अभी हम डूंगर पर जा रहे हैं। अभी शाम का टाइम है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बारिश जैसा मौसम है, तो थोड़ी देर आगे की ओर चल के आते हैं हम। और यहाँ पे वो जो औषधि कहते हैं ना, जड़ी बूटी, वो इस डूंगर पर बहुत ज़्यादा है। Thank you.
तो गाइस हम लोग दर्शन तो कर नहीं सके, बाहर से दर्शन कर लिए। उसके बाद हम लोग गए थे जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए। तो अभी शाम भी होने वाली है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ी आगे ही गए थे, फिर वापस आ गए। हम ऑलरेडी 5 बजे तो आए थे, और जंगल में जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। तो अभी हम सब जा रहे हैं वापस।